पैर देखो इसके कितने हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घरों पर होंगे। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। इस वक्त कोई भी लापरवाही या कोई भी ढिलाई हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है, तो इसलिए आप अपने घरों पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें और पूरी सावधानी बरतें। इस वक्त समय ऐसा है कि कोई फ़ोन बजता है, किसी रिश्तेदार की कोई न्यूज़ आती है, किसी अपने जानने वाले की कोई न्यूज़ आती है, बहुत दुख भरा समय चल रहा है। सावधानी जरूर बरतें। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आज ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, आराम करेंगे, कुछ और करेंगे, और आज सोच रहे हैं ब्लॉग नहीं बनाएंगे। मूड नहीं कर रहा था, कुछ नए आइडिया नहीं आ रहे थे, और उन्हीं पुराने आइडियाज़ को लेकर एक ही जैसा वीडियो बनाने का मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने कल रेस्ट दिया, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि कैसे चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने व्यूअर्स तक पहुंच सकते हैं, जो उनको पसंद आ रहा है वो बनाया जाए। IITFC का जो कि इंडियन टूरिस्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का, वो कंप्लीट कर दिया है। तो आप संडे को क्या करते हैं? लॉकडाउन है, बाहर कोरोना फैला हुआ है, सारा मार्केट बंद है, संडे को आप क्या करते हैं? हमने संडे को सफाई करी, मिलजुल के खाना बनाया, मिलजुल के साथ में बैठ कर के खाना खाया। क्या आप साथ में बैठ कर खाना खाते हैं? क्योंकि लॉकडाउन में सभी लोग घर पर हैं, पर इसके बावजूद भी सब लोग साथ में बैठकर खाना नहीं खाते हैं। ये एक फैमिली का अहम हिस्सा है, एक अहम टाइम है, एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, जिसमें फैमिली मेंबर्स साथ में बैठकर खाना खाते हैं एक दूसरे के साथ में। अगर आप साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं तो कोशिश करिए कि आज से आप एक मील साथ में बैठ कर खाएंगे पूरी फैमिली। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है बाहर, एक तो दोपहर भी है, धूप भी है, गर्मी भी है, और लॉकडाउन और कोरोना, इसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। आप भी घर में रहें, हम भी घर में रहते हैं, एक बुक पढ़ते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आपने अपना संडे किस तरीके से स्पेंड किया, कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हैप्पी संडे।